बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी गुड़ मखाना। सर्दियों में मसालेदार गुड़ मखाना बनाना तो बिल्कुल बनता है। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। मसालेदार गुड़ मखाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप मखाने लिए हैं। इसके लिए हम गैस पर पैन गर्म होने रखेंगे और इसमें हम मखानों को डाल देंगे। इन्हें हमें सेकने के लिए घी वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है। और मखानों में ना कई बार ये मखाने के छिलके वगैरह चुपके रह जाते हैं, तो इन्हें इस तरह छुटा के अलग कर देंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर स्लो ही रखेंगे, हल्की आंच पर ही मखानों को अच्छे से सेक लेंगे। मखानों को आप अगर ऐसे यूज करेंगे तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, और आप इन्हें फ्राई करने के बाद देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा क्रंची हो जाते हैं। और देखिए मखाने यहाँ पर अच्छे फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें पैन से अलग निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम यहाँ पर 1/2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी जब यहाँ पर अच्छा गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1/2 कप हमने यहाँ पर ये गुड़ लिया है इसे डाल देंगे। गुड़ को मैंने बारीक बारीक तोड़ कर लिया है। ऐसे गुड़ को तोड़ कर लेने से ना गुड़ जल्दी मेल्ट होता है। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इसे इस तरह कड़छी से लगातार चलाते रहेंगे। हमें गुड़ में ना तो पानी वगैरह डालना है और ना ही इसकी चाशनी बनानी है, बस गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद में आपको बताऊंगी कि इसे कितना और पकाना है। और देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गुड़ यहाँ पर लगभग अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हमें ना गुड़ को लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। और अभी आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे गुड़ का कलर थोड़ा डार्क होने लगा है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर स्लो करेंगे और गुड़ को थोड़ा हम चेक करके देखेंगे। तो कटोरी में हम इस तरह ठंडा पानी लेंगे और ठंडे पानी में हम इस तरह 1 ड्रॉप डालेंगे। अब इसे इस तरह हम तोड़ कर देखेंगे ना, तो अगर ये आसानी से अभी मेल्ट हो रही है तो अभी हमें गुड़ को थोड़ी देर और पकाना है। और देखिए यहाँ पर गुड़ का रंग पहले से और ज्यादा चेंज हो गया है, तो अभी इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। और देखिए इसे जब हम इस तरह हाथ से इस तरह दबा रहे हैं तो ये आसानी से एकदम टूट रहा है, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट बन गया है। 1/2 चम्मच हम यहाँ पर जिंजर पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पर तेल डालेंगे, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। गुड़ मखाना एकदम मीठे मीठे से हो जाते हैं, लेकिन इस तरह मसालों के साथ जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे। मसालों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम मखाने डाल देंगे और मखानों को इस तरह गुड़ में अच्छे से लपेट देंगे। अभी हमें इस टाइम पे गैस को बिल्कुल बंद नहीं करना है, एकदम स्लो रखेंगे हम गैस को। और देखिए अभी अच्छे से मखानों के ऊपर गुड़ की अच्छी लेयर बन गई है, तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इन्हें अलग बर्तन में निकालने के बाद इन्हें ठंडा होने का इंतजार नहीं करेंगे, इसी टाइम पे हम फटाफट चम्मच से इन्हें थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ये आपस में चिपक जाएंगे। वैसे भी सर्दियां हैं तो हाथ तो इतनी जल्दी जलते नहीं है, इन्हें इस तरह हाथ से छुड़ाते हुए अलग कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे बहुत ही क्रंची टेस्टी सर्दियों में खाए जाने वाले गुड़ मखाना बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप इन्हें इस तरह बनाकर डब्बा भरकर रखिए और बच्चों को ये इतने पसंद आएंगे कि आपसे वो इन्हें बार बार बनवाएंगे। आपको ये गुड़ मखाना कैसे लगे प्लीज जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।